हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर थर्ड चैप्टर प्रोनाउंस। व्हाट इज प्रोनाउंस? वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। बट अ प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, और नाउन से पहले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्ड रखते हैं नाउन के प्लेस पे, सॉरी नाउन के प्लेस पे, तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ओके, आई नेक्स्ट पे देखते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड ऑफ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ बॉय। तो बेटा राहुल हमारा क्या है? नाउन है, नेम है। तो राहुल के प्लेस पे यहाँ पे ही हैज़ ए बॉल, तो राहुल के प्लेस पे प्रोनाउन ही का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? प्रोनाउन ही का। तो बेटा प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं कि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। किसी चीज़ को अगर रिपीटेशन बार बार करते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो जस्ट लाइक जैसे कि आई एम, जैसे कि राहुल इज़ अ बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो मतलब राहुल को जो नेम है बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगर ऐसे हम उसे कहते हैं कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, तो यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं, उससे ज़्यादा वर्ड नहीं लगेगा, यह हमारा सेंटेंस मतलब सही लगेगा। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन जो यहाँ पे नाउन राहुल के प्लेस पे प्रोनाउन ही का यूज़ किया गया है। उसी तरह नेक्स्ट, रीमा इज़ अ गर्ल। फॉर रीमा प्रोनाउन शी का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे इफ टू पर्सन्स जस्ट लाइक टॉम एंड बॉब आर प्लेयर्स, तो इन दोनों के लिए, टॉम और बॉब के लिए प्रोनाउन दे का यूज़ किया गया है। आर गुड प्लेयर्स, यहाँ पे फर्स्ट में है टॉम एंड बॉब्स आर गुड प्लेयर्स। टॉम और बॉब्स क्या है? गुड, एक प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स हैं। तो टॉम और बॉब के लिए यहाँ पे प्रोनाउन दे का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। दिस इज अ हेन, यहाँ पे हेन के लिए प्रोनाउन इट का यूज़ किया गया है। दस इस प्रकार ही शी दे एंड इट आर प्रोनाउन। ही शी दे और इट हमारे क्या है? ये सभी प्रोनाउंस हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर्स, टेल द नाउन फॉर इच प्रोनाउन। यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें बताना है, प्रोनाउन बताना है, नाउन के यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें, सॉरी, प्रोनाउन दिए गए हैं, इसके लिए नाउन बताना है। तो फर्स्ट वाले में फिगर में एक बॉय है जिसका नेम नितिन है। तो फर्स्ट वाले में ऑलरेडी फिल है बेटा, आई प्रोनाउन के लिए ये नाउन नितिन का यूज़ किया गया है। सेल्फ, जब हम लोग अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जैसे बोलते हैं आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, तो आई का यूज़ करते हैं सेल्फ के लिए, बेटा खुद के इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे नितिन खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा है, आई नितिन, और नेहा खुद को इंट्रोड्यूस करा रही है, आई नेहा। प्रोनाउन आई का यूज़ किया गया है। और जब दो लोग साथ में रहते हैं, जैसे आप दो फ्रेंड्स अगर हो, दोस्त लोग साथ में हो, तो प्रोनाउन वी का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक सोनू एंड सीमा, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम दोनों भाई बहन हैं, या फिर वी आर ओनली ब्रदर्स या ओनली सिस्टर्स। तो वहाँ पे दो लोगों के लिए हम, या बहुत सारे लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं आपस में, अगर हम भी वहाँ बैठे हैं तो उसमें हमारा प्रोनाउन वी का यूज़ होगा। ओके, एंड नेक्स्ट में हमारा है बॉय है जिसका नेम टोनी है। तो यहाँ पे प्रोनाउन यू के लिए टोनी का यूज़ किया गया है, एंड प्रोनाउन यहाँ पे नाउन टीना के लिए प्रोनाउन यू का भी यूज़ किया गया है। अगर कोई मतलब लड़का है, या कोई उसके बिफोर में, उसके इन फ्रंट में कोई अगर बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, तो अगर वो उसको इंडिकेट करता है तो यू करके बोलता है तुम, तो यहाँ पे वही यू टीना का नेम दिया हुआ है और टोनी का, तो उसको इंडिकेट कर रहा है। और जस्ट लाइक यहाँ पे बेटा फिगर में यहाँ पे है दिया हुआ है राहुल एंड रोजी, एक गर्ल एक बॉय है, तो जो थर्ड पर्सन है इनको इंडिकेट कर रहा है, तो भी यू का ही यूज़ होगा, प्रोनाउन यू का यूज़ करेंगे। ओके, एंड आई नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर में एक बॉय है जिसका नेम अमित है। तो यहाँ पे प्रोनाउन ही के लिए अमित का यूज़ किया गया है,
एंड शी प्रोनाउन गर्ल के लिए फॉर गर्ल अनु का यूज किया गया है. और यहाँ पे दो एक साथ हैं मोना एंड मनु, तो प्रोनाउन दे का यूज किया गया है जब दो एक साथ हैं तो. और यहाँ पे एक बॉय है, इसके हैंड में एक कप है. दिस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पास की चीजों के लिए यहाँ पे है कप, और दैट काइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये, तो दैट प्रोनाउन फॉर काइट के लिए यूज हुआ है. ओके और यहाँ पे बॉय के हैंड में बॉल है, तो इट हमारा बॉल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे बॉल फील करेंगे. ओके एंड नेक्स्ट में हम देखते हैं बेटा दीज, ये फ्लावर्स की तरह इंडिकेट कर रहा है इसकी तरफ, तो यहाँ पे फ्लावर्स फील करेंगे. एंड दोज दूर की चीज़ों के लिए, बर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स हैं तो बर्ड फील करेंगे. नेक्स्ट में हमारा है वी यूज ईट दिस दैट दोज फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स. बेटा हम दिस दैट दोज ईट का यूज एनिमल्स के लिए करते हैं, एंड लाइफलेस थिंग यानी निर्जीव थिंग, निर्जीव चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए. बेटा आप लोग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतने ही हैं, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग को और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा पढ़ने को मिलेगा, डीपली आप लोग स्टडी करोगे. लर्न दिस पेयर्स ऑफ वर्ड, यहाँ पे बॉक्स में कुछ पेयर्स दिए गए हैं वर्ड्स के, ये आप लोग को लर्न करने हैं. और ये बेटा जो ये क्या है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, अपना पोसेसन शो करता है, यानी कि किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार शो करता है. जैसे कोई भी चीज़ मेरी है, जैसे जिस तो हम आई के लिए माई का यूज़, आई एम अ बॉय, अगर मेरी पेंसिल है तो दिस इज़ माई पेंसिल, वो मुझसे रिलेटेड है, मेरा उस पर अधिकार है, मेरा पोसेसन है. और वी के लिए आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, एंड दे के लिए देयर. ओके नेक्स्ट में है टेस्ट योर सेल्फ, पुट ईच ब्लैंक द राइट वर्ड. ब्रैकेट में है फर्स्ट में ही और हिज, फर्स्ट वाले में ऑलरेडी फील है, इज अ फार्मर, तो यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे कि ही इज़ अ फार्मर, वह एक किसान है. यहाँ पे एक फार्मर की तरफ फिगर है जो वहाँ पे इंडिकेट किया गया है. और दिस इज हिज ऑक्स, और ये ऑक्स किसकी है, इसी की है, फार्मर की है, फार्मर का ही राइट है, फार्मर का पोसेसन है, फार्मर का ही अधिकार है, कि ये जो ऑक्स है, जो बैल है, फार्मर से ही रिलेटेड है. तो यहाँ पे प्रोनाउन ही के लिए उसका पोसेसन जो यहाँ पे शो कर रहा है हिज का यूज़ करेंगे. आई के लिए बेटा यहाँ पे एम ए प्लेयर, आई के लिए ऑलवेज एम के लिए, आई ए एम होता है, उसके साथ आई का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिर माई फिल करेंगे, दिस इज माई बॉल. यहाँ पे है शी हर, तो यहाँ पे इज अ डांसर, शी इज़ अ डांसर, और ये एंकलेट इससे रिलेटेड है, तो शी के लिए हर का यूज़ करते हैं, तो हर फिल करेंगे. यहाँ पे यू योर है, तो आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे यू, अगर सपोज दैट कि आप हो, अगर कोई बॉय आपके बगल में खड़ा है साइड में, तो आप बोलोगे क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पे यू फील करेंगे. और वो बोलेगा कि आई एम योर फ्रेंड, यानी कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो यहाँ पे योर फील करेंगे. दे देयर, दे आर सोल्जर्स, ये बहुत सारी सिपाही हैं, तो इनके लिए प्रोनाउन दे का यूज़ किया गया है. दिज आर देयर गन्स, और ये गन्स इनसे रिलेटेड है, इनका पोजिशन है, तो ये इनकी गन है, तो देयर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, देयर फील करेंगे. फिर है नेक्स्ट में सिक्स में वी आवर, तो आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, तो वी का यूज़ करेंगे. दीज आर आवर बुक्स, हम स्टूडेंट हैं, और ये किताबें किसकी है, हमारी है, हमसे रिलेटेड है, तो वी के लिए आवर का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट में सेवन में है आई माई, तो मैंने ऊपर अभी बताया आई के एम है, तो आई का यूज़ करेंगे. आई एम ए पोस्टमैन, मैं एक पोस्टमैन हूँ, एंड आई के साथ माई, माई नेम इज अक्रम. एट में है शी हर इज अ जेन, शी, तो यहाँ पे जेन एक लड़की है, तो शी एंड हर मदर ये टीचर, और जेन की माँ टीचर है, तो हर का यूज़ करेंगे.
9 में है ही और हिज. आई हैव एन अंकल, मेरे अंकल हैं. एंड नेम इज नितिन, तो यहाँ पे हिज का यूज़ करेंगे. उनका नाम नितिन है तो हिज फिल करेंगे. एंड ही इज़ अ पेंटर, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. ही इज़ अ पेंटर. ओके, 10 में है आपका यू योर, तो यहाँ पे यू हैव अ फिगर वाई ओ यू. योर आइज आर रेड, यहाँ पे योर फिल करेंगे. ओके, 11 में है दे देयर, तो मैंने बताया आपको कि इफ़ टू पर्सन्स, जब दो व्यक्ति हो तो उनके लिए अगर उनको दिखा के बातें कर रहे हैं या उनके बारे में बातें किए जा रही हैं, तो टॉम, यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, दो पर्सन्स के, टॉम एंड बॉब. ये दोनों ब्रदर्स हैं, भाई हैं, तो इनके लिए दे का यूज़ है. एंड देयर फादर इज़ अ डॉक्टर, और उनके पिता, उन दोनों के पिता डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे देयर फिल करेंगे. 12 नंबर में है वी ईट आवर हर. रीमा इज माई सिस्टर, रीमा मेरी सिस्टर है. आई एम हर ब्रदर, यानी मैं रीमा का भाई हूँ, तो रीमा से रिलेटेड है, तो रीमा गर्ल है, तो यहाँ पे हर का यूज़ करेंगे. एंड वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, और हम दोनों भाई बहन हैं, तो वी के, हम दोनों के लिए यहाँ पे दो हैं, तो वी का यूज़ करेंगे. दिस इज़ आवर डॉग, ये हमारा डॉग है. वी का पोजेशन शो करने के लिए, अपने के लिए आवर का यूज़ करते हैं. और इट इज़ अ बिग डॉग, या बिग डॉग है, तो यहाँ इट का यूज़ करेंगे. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, केयरफुली इसको रीड करना है. दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे दिया गया है कि यह बुक जो है मेरी है. दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे बेटा फर्स्ट वाले में जो दिया हुआ है बुक, ये नाउन से पहले माई का यूज़ किया गया है. ओके, और यहाँ पे लास्ट में जो माइंड का यूज़ है, तो किसी चीज़ का अगर, किसी चीज़ को अगर हम पॉइंट करते हैं तो इसका यूज़ होता है. तो हमारा ये नाउन से पहले अगर है तो माई का यूज़ है, यहाँ पे नाउन के बाद है तो माइंड का यूज़ है. इसी तरह सारे में है दिज आवर आवर बुक्स, यहाँ पे बुक से पहले हमारा आवर है. दिज बुक्स आर आवर, तो ये बुक यहाँ पे पहले है, उसके बाद में हमारे, ये लास्ट में आवर है, तो आवर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे. उसी तरह दैट इज़ योर पेन, वह कलम तुम्हारी है, तो पेन हमारे नाउन से पहले योर है. एंड दैट पेन इज़ योर, पेन यहाँ पे बेटा है, और ये लास्ट में हमारा इसके आफ्टर है, नाउन के आफ्टर है, तो योर्स एस यहाँ पे लगा है, योर्स का यूज़ करेंगे. दैट इज़ हर पेन, या उसकी पेन है, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम उसी तरह है. एंड दैट पेन इज़ हर्स, वह कलम उसकी है. 5th में है दोज आर देयर काउज, ये भी नाउन है, नाउन से पहले देयर का यूज़ है. दोज काउज आर देयर्स, लास्ट में यहाँ पे देयर्स का यूज़ है. तो यहाँ पे हम देखते हैं वी यूज़ माई यो अवर योर हर एंड देयर बिफोर ए नाउन. माई अवर योर हर और देयर का यूज़ हम नाउन के पहले करते हैं, नाउन के बिफोर करते हैं. दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव, और ये वर्ड्स हमारे कौन से वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं. वी डोंट यूज़ एनी नाउन विथ माइन अवर योर्स हर्स एंड देयर्स, किसी भी नाउन के साथ हम माइन अवर्स योर्स हर और देयर्स का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया. ओके, दिस वर्ड्स आर प्रोनाउन, तो ये हमारे कौन से वर्ड है, प्रोनाउन है. लर्न दिस सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म्स, उसी तरह यहाँ पे सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म्स में बिट दिया गया है. यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में है और यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में है, तो आप लोगों को ये लर्न करना है. ये जो बॉक्स में दिया गया है ये सारा आप लोग लर्न कर लेना. ओके, और कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर लेना. ओके, थैंक यू.